I've been laid back, yeah. I don't wanna skip steps, you know that. So if you're with it, then say yeah. Namaste friends, welcome to Deepshi ki duniya mein. ये मैंने कपड़ा ले लिया, पहले से ही काट लिया। इसकी लंबाई चौड़ाई 20 इंच ले ली है। और पहले से ही मैंने इसमें अस्तर लगा लिया है। अब एक धागा लेंगे और इसमें गांठ लगाएंगे कपड़ा फ्रेम में कस के। अब चैन स्टिच बनाएंगे। तो नीचे से सुई डालते हुए इस तरह से, बिल्कुल देखिए इस तरह से ऊपर को खींच लेंगे सुई को। और इस तरह से धागे को सेट करेंगे और जहां से पहले सुई निकाली है वहीं से दोबारा डालते हुए ऊपर को निकालेंगे इस तरह से, देखिए। सुई में इस तरह से धागा डालेंगे और सुई को खींच लेंगे। ध्यान से देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा। इस तरह से खींच लेंगे तो ये चैन स्टिच बन गई है। इसी तरह से दोबारा भी बनाएंगे। और सुई में नीचे से धागा निकाल लेंगे और इस तरह से खींच लेंगे। इसी तरह से सारी स्टिच बना लेंगे। बाद में इस तरह से नीचे को धागा निकाल देंगे और गांठ लगा लेंगे इस तरह से, देखिए। और मैंने सारी कढ़ाई कर ली है। अब कपड़े को फोल्ड करेंगे इस तरह से। और इस तरह से जिप को रखेंगे और सिलाई कर लेंगे। बिल्कुल ध्यान से देखिए इस तरह से। कपड़े को रखते हुए अब इस पर सिलाई कर लेंगे। एक इंच कपड़ा एक्स्ट्रा ही छोड़ना है आगे को, जिससे कि जिप दिखे नहीं। जो ये खुला भाग है वो बाद में सिलेंगे। अब इस तरह से दूसरी तरफ सिलाई मार लेंगे। अब उल्टा करके इस तरह से सिलाई लगाएंगे। अब जो खुला भाग था उस पर भी सिलाई मार लेंगे। दोबारा सिलाई लगा लेंगे जिससे कि मजबूती हो जाए।
अब उल्टा कर लेंगे, सॉरी सीधा कर लेंगे, अब ये फूल लगा लेंगे जो भी आपके पास है उससे डेकोरेशन कर लेंगे। सुई की सहायता से इस तरह फूल लगा लेंगे। अगर आपने ये फूल बनाने हैं तो मेरा नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें प्लीज। अब इसमें फाइबर भर लेंगे, ये देखिए सुंदर लग रहा है ना। अब ये मैंने घर पर ही लेस बनाई हुई है, अब इससे हम सर्कल पिल्लो बनाएंगे। मैंने कपड़ा ले लिया है, ये लेस ले ली है जो मैंने खुद ही बनाई है। ये 20-20 इंच का सर्कल बना लेंगे बीच में पॉइंट पे रखते हुए। सर्कल बना लेंगे, बिल्कुल सावधानी से लेस को रखते हुए सिलाई लगाएंगे। अगर नहीं लगा पा रहे हैं तो पहले कच्चा कर लेते हैं उसके बाद सिलाई लगाएंगे। अब आसानी से धीरे धीरे सिलते जाइए, बिल्कुल आसानी से धीरे धीरे, और आधा आधा इंच का गैप लगा के सिलेंगे, गैप छोड़ते हुए सिलेंगे और इसको काट लेंगे। एक इंच एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ेंगे, अब इसको फोल्ड करके इस तरह निशान लगा लेंगे और ये आगे की तरफ एक्स्ट्रा कपड़ा एक्स्ट्रा एक इंच पे निशान लगा लेंगे। ये देखिए दूसरी तरफ इसी तरह निशान लगा लेंगे। अब इसको काट लेंगे, जिप को नाप के अनुसार काट लेंगे। जो इसका बड़ा भाग है उस पे सिलाई लगा ली है मैंने। अब कढ़ाई वाले भाग पर रखते हुए सिलाई लगाएंगे।
इसी तरह से सिलाई लगाते जाएंगे और ये एक इंच जो निशान लगा है उतना ही छोड़ देंगे। अब उसको फोल्ड करते हुए जो एक इंच छोड़ा हुआ कपड़ा उस पर सिलाई लगाएंगे। अब दूसरा भाग लेंगे उस पर सिलाई करेंगे। इसी तरह से सिलाई पूरी मार लेनी है। अब इस तरह जिप लगाएंगे। छोटा भाग जिप पर इस तरह रखकर सिलाई लगा लेंगे। दोनों भाग को इस तरह रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। जो एक्स्ट्रा एक इंच छोड़ा है वो छोटे भाग के ऊपर रखेंगे जिससे जिप नहीं दिखेगी। इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। बिल्कुल इसी तरह सिलाई लगा लेंगे। अब जहां पे जेब है वहां से सिलाई लगाएंगे। इस तरह से गोल गोल पूरे पिल्लू पे सिलाई लगा लेंगे। ये मैं डबल सिलाई लगा रही हूँ जिससे कि मजबूती हो जाए। Thank you.
पूरा सिल लिया। अब इसको सीधा कर लेंगे और इसमें फाइबर भर लेंगे। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। You just always been a tighter rusted. I've been laid back. अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर जरूर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। You said that you were down just yesterday, hoping you'll stick around and